इन लोगों ने ऑप्शन दिया है, अगर आप अपनी बुकिंग बहुत एडवांस में और पहले करा लेते हैं तो यहाँ पे आपका सब्सक्राइब करें राइजिंग स्टार टूर एंड ट्रैवल चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम लोग शाम्बुला हिल आए हैं। सो ये अलमाटी से बहुत पास है आपका, अलमाटी सिटी सेंटर से ये सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट लगते हैं आपको पहुंचने के लिए। यहाँ पर आपको ऊपर के अंदर यहाँ पे तीन इन्होंने पीक्स बना रखी हैं जिसके लिए आपको तीन केबल कार लेनी होती हैं। फर्स्ट वाली जो केबल कार है उसके अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट लगते हैं, फिर से आपको केबल कार चेंज करनी पड़ती है। फिर आप फर्स्ट पीक के बाद सेकंड पीक जाने के लिए जो आपकी केबल कार होती है वो 10 मिनट की होती है, और जो समिट है, जो टॉप बिल्कुल माउंटेन है, वहां तक की केबल कार लेने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की केबल कार में जाना पड़ता है। सो आज हम लोग बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग स्कीइंग कर रहे हैं, इन हंड्रेड्स काफी लोग स्कीइंग कर रहे हैं। इधर आपके तीनों के तीनों लेवल्स पर बहुत सारे इन्होंने रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। यस, उनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको इन लोगों ने ऑप्शन दिया है, अगर आप अपनी बुकिंग बहुत एडवांस में और पहले करा लेते हैं तो यहाँ पे आपका स्की रिजॉर्ट्स में भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3-4 स्की रिजॉर्ट्स बना रखे हैं, जैसे टेनीर है, शाम्बुला रिजॉर्ट है, एंड लोकल भी 2-3 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऊपर आप आने के लिए दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन हाफ डे एक्टिविटी, तो आप अपने होटल से अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के करीब अगर निकलते हैं तो आपको काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे बहुत रश रहता है तो ज्यादा लेट ना करें। बाकी ऊपर बहुत ठंड है, एंड ये जो देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड के अंदर, ये ग्लेशियर है। वेदर इट इज समर विंटर्स एनी सीजन, यहाँ पे स्नो हमेशा ही हमेशा रहती है। एंड अगर आपको स्कीइंग करनी है तो स्कीइंग करने के लिए जितना भी आपको सामान है वो सबसे नीचे वाले एरिया से मिलेगा, वहीं से आपको रेंट करना पड़ेगा, ऊपर रेंट करने का ऑप्शन नहीं है। एंड यहाँ पे जो आप ओपन केबल चेयर कार देख रहे हैं उसके अंदर आपको बैठना अलाउड नहीं है। इफ यू आर डूइंग स्कीइंग कर रहे हैं तभी आप उस वाली केबल कार में बैठ सकते हैं, अगर आप स्कीइंग नहीं कर रहे हैं तो उस वाली केबल कार में आप नहीं बैठ सकते हैं। सो दोस्तों, मेरी जो वीडियो थी वहां पे मैंने काफी सारी बनाई, बट क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई थी और इवनिंग का टाइम हो गया था तो बाकी वीडियो मैं वहां पे शूट नहीं कर पाया। तो जैसे मैंने आपको बताया, शाम्बुला के अंदर जो है बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं। पहले लास्ट ईयर तक तो क्या होता था कि एक्टिविटीज आप जाके ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते थे, बट अब वो ऑन द स्पॉट वाली ऑप्शन खत्म हो गई है क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां की गवर्नमेंट भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, जिस वजह से उन्होंने ऑन द स्पॉट एक्टिविटीज बंद कर दी हैं। तो वहां पे एक्टिविटीज के अंदर आप लोग हस्की स्लेज आपका हो जाएगा, आपका स्नो मोबाइल वहां पे हो जाती है, और वहां पे उन लोगों ने स्नो मोबाइल से पीछे एक कार्ड भी अटैच कर रखी है जिसके अंदर आप बैठ के स्लेजिंग भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 टाइप की एक्टिविटीज है जो की आप बुक कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपको ये नहीं मिलेंगी, इनका प्री अरेंजमेंट ही करा जाता है। तो अगर आपको ये वाली एक्टिविटीज करनी है तो एटलीस्ट 2 से 3 डेज पहले आपको अपने एजेंट को या फिर शाम्बुला में बात करके इसको पहले से ही अरेंज कराना होगा, ताकि जब आप लोग वहां पहुंचे तो ये चीजें अरेंज्ड हो और आप उसको एंजॉय कर पाए। सो बाकी चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नोट करने के लिए, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो के द्वारा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि वहां से 4-4:30 बजे लास्ट केबल कार वापस आती है। सो 4-4:30 बजे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं, लाइन जो है वो सुपर लॉन्ग हो जाती है। सो जहां आपको केबल कार लेने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, वहां पे आपको 1 से 1.5 घंटा लगने लग जाता है। अलमाटी के अंदर, शाम्बुला के अंदर, क्योंकि सब लोग स्कीइंग में होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी गियर पहना हुआ होता है, तो किसी को भी कोई आवाज सुनाई नहीं देती है, जिस वजह से लाइंस के अंदर क्योस मच जाता है और कोई लाइन क्यू वगैरह फॉलो नहीं होती है। तो अगर आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखें कि 4:30, क्योंकि लास्ट केबल कार आती है, आप लोग 3 बजे वाली 3 PM वाली केबल कार से ही वापस नीचे की तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज आप लोग ऊपर बहुत देर तक अटक जाएंगे और बहुत लंबी लाइंस में आप लोग फंस जाएंगे। अगर आप लोग अपनी बड़ी फैमिली के साथ जा रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह भी साथ है, तो एक वहां पे स्पेशल सर्विस भी चलती है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। ऊपर केबल कार तक इलेक्ट्रिक कार्स भी जाती हैं जो कि 1000 तेंगे लेती हैं सिर्फ, ऑन द स्पॉट आप वहां पे जाके ले सकते हैं, तो आपको लाइंस के अंदर नहीं लगना पड़ेगा और वो आपके लिए स्पेशली प्रोवाइड कराई जा सकती है।
ऊपर जो है मैंने आपको बताया था कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, बट क्योंकि अलमाटी है, अलमाटी में इंग्लिश वाइडली स्पीकर नहीं, स्पोकन लैंग्वेज नहीं है, जिस वजह से आपको बहुत जरूरी है कि आप वेजिटेरियन बोलने के बाद, डिश आने के बाद भी वहां के मैनेजर से पूछें कि ये वेजिटेरियन है या नहीं है। क्योंकि हमारे साथ भी एक इंस्टेंस हो गया था, उन्होंने वेजिटेरियन बोला था बट वो नॉन वेजिटेरियन निकल गई थी, बट जब हमने पूछा तो पता लगा कि वो उनकी गलती थी और उसके बाद उन्होंने डिश चेंज करके हमारे को दे दी थी। शाम्बुलाक से दोस्तों जब आप लोग केबल कार से नीचे पहुंचते हैं तो वहां पे एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटडोर स्कीइंग रिंग भी है जिसको म्योडो आइस स्केटिंग रिंग बोलते हैं। वहां पे जब आपने शाम्बुलाक से 3:30-4 बजे करीब आप नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में, 40 मिनट का रिटर्न का डिस्टेंस है आपका बाय केबल कार। और अगर आप लाइन्स एंड क्यूज भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हर लेवल पे आपको बार बार क्यूज के अंदर लगना पड़ेगा, तो टोटल मिला के आपको 1 घंटा नीचे पहुंचने में लग जाता है। तो जैसे ही 3 बजे निकल के आप 4:30-4 बजे नीचे पहुंचते हैं तो आप सीधा वहां पे कुछ खा सकते हैं, या तो नीचे जाकर अगर आपने ऊपर कुछ नहीं खाया है, और सीधा आइस स्केटिंग रिंग में जा सकते हैं। आइस स्केटिंग रिंग जो है रात के मिडनाइट तक खुलता है, 12 बजे तक, तो आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से वहां पे इंजॉय कर सकते हैं। वो भी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगेन पूरे 12 महीने आइस स्केटिंग रिंग खुला रहता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मेंटेन करा गया है। वहां पे एंट्री लेने के बाद आप मान के चल सकते हैं आराम से आपको 1.5 से 2 घंटे निकल जाएंगे। सो अगर आप लोग 4 बजे नीचे पहुंच के स्केटिंग रिंग में जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि आप 6-7 बजे तक फ्री हो जाएंगे, एंड 1 घंटा अगेन, क्योंकि शाम के टाइम पे सब लोग शाम्बुलाक से सिटी के टूवर्ड्स प्रोसीड कर रहे होंगे, तो अगेन ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा। ट्रैफिक वगैरह खत्म होने के बाद अब 7:30 के करीब आप लोग सीधा अलमाटी सिटी के अंदर एंटर कर जाएंगे। अलमाटी सिटी में एंटर करने के बाद रात को आप लोग चाहे तो इंडियन रेस्टोरेंट्स के टूवर्ड्स जा सकते हैं, क्योंकि अपन इंडियन लोग हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स वहां पे काफी सारे हैं, बहुत अच्छे हैं। तंदूर रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे, स्पाइस इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे, महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है वहाँ पे, तो आप किसी में भी डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी जो है दोस्तों, वैसे तो गूगल पे लिखा रहता है कि वो 11:30-11 बजे तक खुले होते हैं, बट वो लोग लास्ट ऑर्डर जो अपना है वो 10:30 क्लोज कर देते हैं, तो 10:30 तक अगर आप ऑर्डर कर देंगे तो वो आगे हो जाता है, वरना नहीं होता। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत जरूरी चीज जो आपको ध्यान देने वाली ये है कि भले वो इंडियन रेस्टोरेंट है बट इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर भी जो आपके लोग हैं वो सारे कजाकी लोग ही हैं, तो उनको भी आपकी हिंदी और इंग्लिश समझ नहीं आती है, तो आपको यहाँ पे भी गूगल ट्रांसलेट का काम यूज लेना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बढ़िया ट्रैवल एजेंट से बुकिंग करा के जा रहे हैं जिसमें आपका गाइड आपके साथ है, तो गाइड आपका आराम से वो एक्सप्लेन कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांसलेशन के अंदर में। थैंक यू।